आप आई बीन सेवन पर लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन रंग दे बसंती। डीजीआर की स्कीम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्व सैनिकों को बीएसएनएल में गार्ड रखवाने की एवज में फौज के रिटायर्ड ऑफिसर दलालों से मिल जाते हैं। पूरा गोरख धंधा चलाने के लिए बीएसएनएल के अफसरों और दलालों से सेटिंग की जाती है। बीएसएनएल के अफसर सिक्योरिटी एजेंसी को काम देने के एवज में कमीशन खाते हैं। दलाल पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने के लिए उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा हड़प जाते हैं और फौज के जिस रिटायर्ड अफसर के नाम सिक्योरिटी एजेंसी है उसे घर बैठे मोटी रकम मिल जाती है। बेचारा पूर्व सैनिक जिसके ऊपर अपना घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है इस गोरख धंधे में पिसकर रह जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एससी दत्ता दिल्ली के कालकाजी इलाके में केकेडी सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की एजेंसी चलाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल दत्ता कायदे कानून को ताक पर रख चुके हैं। वो अपने नाम से रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसी भाड़े पर चलाते हैं। मथुरा में 50 लोगों का है, फिरोजाबाद में 30 लोगों का है, झांसी में 70 लोगों का है। ये तीन शहरों का कंफर्म है कि यहाँ से 15 तीनों की नहीं, तीनों जगह बीएसएनएल में हमारी सेटिंग है। अगर स्पॉन्सरशिप आप करा लेते हैं डीजीआर से तो बीएसएनएल में सेटिंग की जिम्मेदारी हमारी है। या अगर दोनों चीज़ें आप हमसे चाहते हैं डीजीआर से स्पॉन्सरशिप और बीएसएनएल में भी सेटिंग तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके सो हैव आई थिंक डिस्कस विद द लेंथ काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट्स द बेस्ट ऑफर यू कैन गेट? आई टोल्ड यू ऑल डिटेल्स कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो। व्हाट इज द बेस्ट ऑफर यू कैन थिंक ऑफ? आपको पर गार्ड सर 500 रुपये देते हैं। और मंथली सर? मंथली आप बताइए सर, आप बेस्ट ऑफर 20,000 बेस्ट ऑफर क्या है? 20,000 20,000 मंथली हम आपको दे देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल दत्ता हमसे मोटी रकम ऐंठने के फिराक में थे। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें एक गार्ड पर 600 रुपए की रिश्वत देनी होगी। सर मेरा जो है 550 है पर गार्ड का। सर उससे ज्यादा हमें मार्जिन नहीं आ पाएगा, फिर आप खुद जानते हैं। 550 पे आप बताइए, आर यू कंफर्टेबल ऑन 550 पर गार्ड? पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़ी ये योजना सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन चुकी है। सालों से लूट का ये सिलसिला जारी है लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से रिटायर्ड फौजी अधिकारी खुलकर पैसा मांग रहे हैं अपनी एजेंसी को भाड़े पर देने के लिए, अपनी एजेंसी के जरिए गलत काम करने के लिए जो कि सरासर गैर कानूनी है। किसी और को अपनी एजेंसी सबलेट करना है बिल्कुल गलत है। और लेफ्टिनेंट कर्नल दत्ता आपने साफ तौर पर देखा कैसे खुलकर पैसा मांग रहे हैं। ऑपरेशन रंग दे बसंती में लगातार तमाम खुलासे जारी है, लगातार देखते रहिए आई बिन सेवन। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।